एवरीवन, आर्चू हियर, वेलकम बैक टू माय चैनल आर्चू नोट्स। आज हम बात करेंगे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की। 1986 के बाद अब जाके चेंज हुआ है। इतना दिन से यही पुराना पॉलिसी चले जा रहा था। अच्छा हुआ अब चेंज हो गया। अब क्या है कि देखिए, पंचायत से लेकर के स्टेट बोर्ड, CBSE से लेकर के NCERT, हर जगह सलाह मशवरा करने के बाद ही नई शिक्षा नीति बनी है। और अगर ये कोरोना का काम जल्दी सलट गया ना, तो 2021 या 22 तक एकदम इसको लागू कर दिया जाएगा। अब ये जो नई शिक्षा नीति है, वो आता था मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स ऑफ डेवलपमेंट के अंतर्गत, बट अब इसका नाम बदल के रख दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। सोचिए, इतना बड़ा बदलाव हो गया है। खैर, ये सब छोड़िए, अब मेन मुद्दे पे आते हैं। पहले का जो एजुकेशन सिस्टम था, उसमें था वो 10+2 वाला ढांचा, बट अभी का जो एजुकेशन सिस्टम आया है उसमें 5+3+3+4। देखिए, पहले का जो एजुकेशन सिस्टम था उसमें क्या था, 10+2 मतलब 12, मतलब कि हमें 12 क्लास तक स्कूल में पढ़ना होता था, उसके बाद हम किसी यूनिवर्सिटी में डिग्री लेने चले जाते थे। तो अभी का जो एजुकेशन सिस्टम है, 5+3+3+4 मतलब 15। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब अब क्या 15वीं तक क्लास होगी? नहीं, चलिए आइए इस बात को समझते हैं कि आखिर ये एजुकेशन सिस्टम है क्या। अब ये जो एजुकेशन सिस्टम है, इसको 4 भागों में बांटा गया है। जो पहला स्टेज है उसको बोलते हैं फाउंडेशन स्टेज, जो 5 सालों का है। और ये जो 5 सालों का फाउंडेशन स्टेज है, इसको भी 2 भागों में बांटा गया है। पहला 3 साल है, उसमें छटकन लेकर को बस स्कूल जाना है और घर आना है। और स्कूल में क्या करेंगे, आराम से खेलेंगे, गंदे होएंगे, खाएंगे, मस्ती करेंगे, जमीन पर लौटेंगे, गाना गाएंगे, डांस करेंगे। और जो टीचर्स हैं उनको भी इस तरह से प्रिपेयर कराया जाएगा कि बस बच्चे खेलते रहे और साथ में वो भी उनके साथ खेलती रहे। उसके बाद आता है बाकी का बच्चा 2 साल, उसमें बच्चों को फर्स्ट एंड सेकेंड स्टैंडर्ड में पढ़ना होगा। अभी छटकन बचपन स्कूल काहे नहीं जाता है, इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है। काहे कि स्कूल में खेलने ही नहीं दिया जाता है, बेचारा सब जाके क्या करेगा, घर पे रहेगा, आराम से खेलेगा, मारा मारी करेगा, इधर उधर भागेगा, घर वालों का कहना नहीं मानेगा। तो इसीलिए 5 साल तक इस नई एजुकेशन सिस्टम में इस बात का ध्यान रखा गया है कि बच्चे स्कूल आए, ना कि स्कूल से दूर भागे। अभी छटकन लेकर को 3 साल से स्कूल में जाना पड़ेगा और हर तरह का सुविधा दिया जाएगा। जैसे कि छटकन लेकर को मन करेगा कि भाई हमको मिट्टी में खेलना है, गंदा होना है, किसी पर पानी फेंकना है, गुब्बारे फुलाने हैं, पेंटिंग करनी है, खुद के कपड़े गंदे करने हैं, मिट्टी में लौटना है, ये सारी चीजें कर सकते हैं। सारी चीजों की व्यवस्था होगी अब स्कूल में। एक हमारा जमाना था, खेलने का बहुत मन करता था बट कुछ भी करने को नहीं मिलता था भाई, सिर्फ पढ़ना है, पेपर पेंसिल लेकर बैठ जाओ, सिर्फ पढ़ो, पेपर पेंसिल भी नहीं, स्लेट पेंसिल। अब बात करते हैं सेकेंड स्टेज की, जिसे प्रीपरेटरी स्टेज भी बोला जाता है। और ये 3 साल का होता है और इस स्टेज में एग्जाम भी शुरू हो जाएगा। मतलब अब छुटकन लेकर को बहुत टेंशन होने वाला है, मतलब कहाँ 5 साल तक बस फन करो, नो एग्जाम्स, नथिंग, बस स्कूल जाना है, घर आना है। अब उसके बाद अचानक से अब इनका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा जब ये सेकेंड स्टेज में आएंगे। तो सेकेंड स्टेज में कौन कौन सा क्लास होगा, क्योंकि फर्स्ट क्लास और सेकेंड क्लास वो तो हम फाउंडेशन स्टेज में ही कर चुके हैं बच्चे। अब इसके बाद जो प्रिपरेटरी स्टेज है उसमें होगा 3रा क्लास, 4था क्लास और 5वां क्लास। ये तीनों आएगा प्रिपरेटरी स्टेज में। इस स्टेज में इस बात पे ध्यान दिया गया है कि बच्चा खाली खेल कुदाई पे ध्यान मत दे, थोड़ी पढ़ाई वढ़ाई भी होनी चाहिए यार, थोड़ी हैबिट डेवलप होनी चाहिए। तो इस स्टेज में इस बात पे जोर दिया गया है कि फन हो, एक्टिविटी हो, बट साथ साथ में पढ़ाई भी हो। और इसमें सबसे खास बात ये है कि यहाँ पे 2-2 ऑप्शंस होंगे बच्चों के लिए। जैसे जिन बच्चों को इंग्लिश पसंद है वो इंग्लिश में स्टडी कर सकते हैं, जिन बच्चों को मदर टंग पसंद है, जिनको इंग्लिश नहीं आती है वो बच्चे मदर टंग में स्टडी कर सकते हैं। जैसे कोई मराठी बच्चा है तो वो मराठी में पढ़ेगा, कोई बंगाली बच्चा है तो बंगाली में पढ़ेगा, कोई साउथ इंडियन बच्चा है तो वो साउथ इंडियन लैंग्वेज जैसे तमिल, तेलुगु, कन्नड़, इन सारी लैंग्वेज में पढ़ सकता है। अब देखिए, अभी रीजनल लैंग्वेज में प्रॉफिट है तो लॉस भी है। अब प्रॉफिट ही है कि बच्चा जल्दी सीख जाएगा, उसको मेहनत कम लगेगी, जल्दी चीजें समझ में आएंगी, बट लॉस ये है कि बच्चा इंग्लिश से दूर होने लगेगा, उसको इंग्लिश समझ में आएगी नहीं,
फिर बात वो हो जाएगी कि आगे चल के तो भाई पढ़ना तो इंग्लिश ही है ना, क्योंकि इंग्लिश ही तो इंटरनेशनल लैंग्वेज है हमारा। कहीं भी किसी भी देश के कोने में चले जाओ, इंग्लिश ही वो भाषा है जो लोगों को समझ में आती है। अब बात करते हैं थर्ड स्टेज की, जिसे मिडिल स्टेज भी बोलते हैं। अब इस स्टेज में लेखन सब पहुंच गया 6th क्लास में। यहाँ पे स्टार्ट करेगा 6 से 7, 8, ये तीनों क्लास आएंगे इस स्टेज में, क्योंकि 5th तक तो बचपन सब पिछला क्लास में पढ़ चुका था। अब इस स्टेज में खास बात ये है कि यहाँ पे कंप्यूटर कोडिंग होगा, यहाँ पे वोकेशनल कोर्स का ऑप्शन है। तो कंप्यूटर कोडिंग मतलब कंप्यूटर का नॉलेज दिया जाएगा, पढ़ाई स्टार्ट होगा। ऐसा नहीं है कि कोडिंग होगा, जावा पढ़ाया जाएगा, हडूप पढ़ाया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अब जैसे कहा है कि वोकेशनल कोर्स एकदम टेक्निकल जैसा है, तो इसमें जैसे कि कोई बच्चा जब मिडिल स्टेज में पहुंच गया तो कौन क्लास में होगा, चाहे तो 6 में होगा, चाहे 7 में होगा, चाहे 8 में होगा। अब वो बच्चा का मन है कि चलो हम मछली पालन वाला काम सीखेंगे, किसी का मन है कारपेंटर वाला काम सीखने का, किसी लड़की का मन है कि हम सिलाई सीखेंगे, किसी का मन है कि भाई हम कुकिंग सीखेंगे। चाहे कोई भी कोर्स ले लो, आपको सबके ऊपर मार्क्स मिलेंगे। कहने का मतलब है कि एक बच्चा सब अपने इंटरेस्ट के हिसाब से कोर्स सिलेक्ट करेगा, कि उसको सिलाई का काम करना है, कि कारपेंटर का काम करना है, कि किसी को खाना बनाना है, और उसके लिए उनको मार्क्स भी मिलेंगे। एक हमारा जमाना था, कुछ नहीं मिलता था, कोई ऐसे तो कोई कोर्स ही नहीं थे हमारे टाइम में। बस पढ़ाई करो पढ़ाई करो, वो भी बिना इंटरेस्ट के पढ़ाई होती थी। खेलने के लिए घर से बाहर भाग जाओ, घर आने के बाद डांट खाओ। इसके बाद क्या है कि जो मेन कोर्स है, जैसे मैथ हो गया, आर्ट्स हो गया, साइंस हो गया, वो तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। बट इसके अलावा एक एक्स्ट्रा जुड़ गया है, उसमें क्या है कि बच्चा सबको एक नेशनल लैंग्वेज भी पढ़ना पड़ेगा। नेशनल लैंग्वेज में जैसे कि उर्दू ले सकते हैं, हिंदी ले सकते हैं, संस्कृत ले सकते हैं, मैथिली ले सकते हैं, अरे भोजपुरी का भी ऑप्शन होगा, वो भी ले सकते हैं। अब इसके बाद जो लास्ट स्टेज आ रहा है, उसको बोलते हैं सेकेंडरी स्टेज। अभी सेकेंडरी स्टेज में बचपन कहाँ से पढ़ाई शुरू करेगा, तो 9th क्लास से करेगा, क्योंकि 8वां तक तो पिछले के स्टेज में पूरा कर लिया था। तो यहाँ पे हो जाएगा 9th क्लास, 10th क्लास, 11th क्लास और 12th क्लास। अब ये स्टेज में खास बात यह है कि पहले जो एग्जाम साल में एक के बार होता था, वो अब साल में 2 बार होगा। हाँ, मतलब सेमेस्टर वाइज एग्जाम होगा इसमें, हर 6-6 महीना पे एग्जाम देना पड़ेगा आपको। वो इसलिए ऐसा किया गया है ताकि बचपन का इंटरेस्ट बना रहे। नहीं तो होता ही था कि अब जैसे फरवरी में एग्जाम देता था बच्चा, फरवरी मार्च में एग्जाम होगा तो टेंशन लेना हो जनवरी से स्टार्ट करता था। इस चक्कर में बच्चे फेल हो जाते थे क्योंकि पढ़ाई ही नहीं करते थे, पढ़ाई नहीं करेंगे तो फेल तो होंगे। और ये स्टेज का दूसरा खास बात यह है कि ये स्टेज में कोई स्ट्रीम नहीं है। अब जैसे होता था कि जब हम 10th पास करने के बाद 11th में जाते थे, तो कोई भी पूछता था कि भाई साइंस लोगे, आर्ट्स लोगे या कॉमर्स लोगे। अब वो वाला टेंशन नहीं है, अब यहाँ पे मल्टीपल सब्जेक्ट वाला कॉन्सेप्ट आ गया है। हाँ, कहने का मतलब ये है कि जैसे हमको मैथ में इंटरेस्ट है, लेकिन मैथ में इंटरेस्ट होने के साथ साथ हमको आर्ट्स में भी इंटरेस्ट है, उसके साथ साथ हम अकाउंटिंग में पढ़ना चाहते हैं, भाई तीनों सब्जेक्ट ले सकते हो। कहने का मतलब ये है कि एक साथ बहुत सारा सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं, और वो सब्जेक्ट आर्ट्स से भी हो सकता है, साइंस से भी हो सकता है, कॉमर्स से भी हो सकता है। बहुत अच्छा हो गया, हमारे टाइम में ऐसा कुछ भी नहीं था, बहुत दिक्कत होता था। अब जैसे कि क्या है कि ये स्टेज में क्रिटिकल थिंकिंग पे जोर दिया गया है, ऐसा क्या किया जाए कि बच्चों के दिमाग से वो रटंतु विद्या खत्म हो जाए। बस हमें जो पॉलिटिकल साइंस में हमें जो मिला, बस हमें रट्टा मारना है, रट्टा मार के क्या एग्जाम में लिख दिया। ऐसा क्या किया जाए कि बच्चों के दिमाग में ये सारी चीजें आए कि ये एप्पल गिरा भाई तो नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों ना गिरा, ये अगर दिमाग में आता तो न्यूटन नहीं बन जाते। कहने का मतलब ये है कि बच्चों के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप की जाएगी, कॉन्सेप्ट्स डेवलप किए जाएंगे। अब देखना ये है कि ये एनसीईआरटी कैसे डेवलप करवाती है, क्या प्रोसेस लेके आती है, कैसा करिकुलम बनाती है। जैसे ई स्टेज में एक और खास बात है, फॉरेन लैंग्वेज बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। अब जैसे हमारा मन है, मतलब हमारा तो टाइम निकल गया, बचपन का मन है, बचपन का मन है कि फॉरेन लैंग्वेज में जर्मन पढ़े, फ्रेंच पढ़े, स्पेनिश पढ़े, चाइनीज पढ़े, तो जो मन है वो पढ़ सकते हैं, वो ले सकते हैं, कोनो जोर जबरदस्ती ना ही, कोनो दबाव ना ही। भाई फॉरेन लैंग्वेज पढ़ने का मन है पढ़ो, नहीं पढ़ने का मन है कोई बात नहीं, इंडियन लैंग्वेज पढ़ो। कुल मिला के ही नया वाला एनपी हमारे हिसाब से बहुत अच्छा है, बहुत ज्यादा अच्छा है। इसमें पढ़ने के लिए हमें दोबारा से जन्म लेके आना पड़ेगा। अब आज के लिए इतना ही, मेरे हिसाब से वीडियो आज बहुत ज्यादा लंबी हो गई है ना।
कोई बात नहीं, झेल लेना। और आज के लिए बस इतना ही, अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।